वेलकम फ्रेंड्स, यहां पर दोस्तों इंडियन मार्केट में टाटा टियागो का नया वेरिएंट पूरी तरह से लॉन्च हो चुकी है। खास बात तो यह है कि यह जो वेरिएंट लॉन्च की गई है वो ग्राहकों को नज़र में रखते हुए लॉन्च की गई है। इस वेरिएंट का पूरा नाम टाटा टियागो XTA वेरिएंट है। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि इस नए वेरियंट में क्या कुछ नया खास दिया गया है, कितनी प्राइस रखी गई है, क्या फीचर दी गई है। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत कुछ जानकारी आपको मिलेगी वीडियो में, बने रहने हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास और आप देख रहे हैं एगोग ऑटो। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली दोस्तों बता दूं कि यह जो टाटा टियागो का जो XTA वेरिएंट है वो बेसिकली एक हैचबैक कार है और भारत बाजार में यह पूरी तरह से लॉन्च हो चुकी है, जिसकी शुरुआती कीमत कंपनी की तरफ से रखी गई है 5.99 लाख रुपये। यहाँ पर दोस्तों बता दूँ कि यह एक नए ट्रिम के लॉन्च के बाद अब ग्राहकों को टाटा टियागो लाइनअप में 4 AMT वेरियंट मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों जो वेरियंट ग्राहकों को पसंद आएगी वो इस लाइनअप के वेरियंट को ले सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों बता दो कि टाटा टियागो के लाइनअप में जो सबसे बढ़िया वेरिएंट है वो है XTA वेरिएंट, जो कि XT ट्रिम पर बेस्ट है और यही कारण है कि इसमें जो है आपको XT ट्रिम जैसे फीचर देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों हरमन का 7 इंच का एक इंफोटेनमेंट सिस्टम टच स्क्रीन भी देखने को मिलेगी और इसमें एक कंपनी की तरफ से 15 इंच की एक अलॉय व्हील्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों इस टाटा टियागो XTA वेरिएंट में जो है आपको एक इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर जैसे फीचर देखने को मिलेगी। बात करें दोस्तों परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस इसकी काफ़ी तगड़ी पुराने मॉडल से बेहतर हो चुकी है। इसमें आपको BS6 इंजन देखने को मिलेगी, जो कि 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा और यह जो इंजन है वो 85 BHP की पावर और 113 डायनोमिक का पिक्टो जनरेट करता है। इसके अलावा दोस्तों बता दो कि यह जो इंजन है वो 5 स्पीड AMT ट्रांसमिशन से लेस है। बात करें दोस्तों इसकी डिजाइन की, तो डिजाइन में कोई चेंजेस नहीं किया गया। डिजाइन आप देख सकते हैं जो इसे पुराने मॉडल की टाटा टियागो का डिजाइन था XTA वेरिएंट का, उसे वैसे ही डिजाइन है। इसके अलावा दोस्तों बात करें कि परफॉर्मेंस की और फीचर की, तो फीचर जो चीज़ दी गई थी वो मैंने बता दिया कि कुछ नया जो खास अलग से दी गई है वो बता दिया। इसके अलावा दोस्तों बात करें इसके परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस भी काफ़ी तगड़ी है। दोस्तों इस वीडियो में पूरी जानकारी इसके बारे में नहीं देना चाहता, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने इस पर 1-2 नहीं 3-4 वीडियो बना रखी है। अगर आप देखना चाहते हैं, पूरी डिटेल लेना चाहते हैं, तो आप पुराने वीडियो को देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में जा करके। दोस्तों ये छोटी सी जानकारी है, आपको ये जानकारी कैसी लगी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल हो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर आप भी इसे लेटेस्ट ऑटो न्यूज पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर ऑन कर लें, ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। अब दोस्तों आप हमें इजाजत, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में लेटेस्ट न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।